इंटरपोल महासभा में फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, दाऊद पर सवाल पर पाक प्रतिनिधियों की बोलती बंद। आज तक के सवाल पर खामोश हुआ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल, बिना जवाब दिए आगे बढ़ा। दिल्ली में इंटरपोल की महासभा को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वीं इंटरपोल आम सभा का आयोजन, 25 साल बाद भारत में हो रही बैठक। 21 अक्टूबर को होगा इंटरपोल की आम सभा का समापन, आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह आम सभा को करेंगे संबोधित। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट 7 लोगों की मौत, केदारनाथ से गुप्त काशी की ओर जा रहा था हेलीकॉप्टर, खराब मौसम बना हेलीकॉप्टर हादसे की वजह, केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी में क्रैश। गुजरात के रहने वाले थे केदारनाथ हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालु, भावनगर से दर्शन को आए थे। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद निजी कंपनी की हेलीकॉप्टर सेवा पर उठे सवाल, आर्यन एविएशन कंपनी पर लापरवाही का आरोप। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, गृहमंत्री अमित शाह ने भी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड अटैक, यूपी के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत। शोपियां में प्रवासी मजदूरों के टिन शेड पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड, आतंकी हमले में 2 मजदूरों की जान गई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली मजदूरों पर हमले की जिम्मेदारी, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से है टीआरएफ का संबंध। शोपियां के आतंकी वारदात में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, एडीजी विजय कुमार ने मौके वारदात का जायजा लिया। शोपियां में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद कन्नौज में पसरा मातम, परिजनों को खोने का दर्द। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, रामलला के दर्शन करेंगे। 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे पीएम, श्री राम कथा पार्क में भगवान राम के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्य का करेंगे अवलोकन, शाम 6 बजे सरयू नदी के नए घाट पर आरती करेंगे। अयोध्या दौरे पर दीपोत्सव देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 7:30 बजे से डिजिटल आतिशबाजी का भव्य नजारा। के साथ दीपावली मनाएंगे पीएम मोदी, 24 अक्टूबर को कार्यक्रम। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 19 और 20 अक्टूबर को कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। किसानों को केंद्र सरकार का दिवाली गिफ्ट, रबी के 6 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी, 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा गेहूं का दाम। गेहूं में 110 रुपए वृद्धि की गई है, 215 रुपए से बढ़ाकर इसको 2125 रुपए किया गया है। जौ को 100 रुपए बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़कर 1735 किया गया है। गोवा पंचायत चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप, 3 सीटों पर कब्जा, शानदार जीत के लिए सीएम सावंत को जेपी नड्डा ने दी बधाई। आईआरसीटीसी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया। बयानों को लेकर कोर्ट ने तेजस्वी यादव को लगाई फटकार, सोच समझ कर बोलने का निर्देश दिया। कोर्ट से राहत के बाद तेजस्वी यादव का बयान, कहा सभी निर्देश का पालन करेंगे। शराब घोटाले में पेशी के बाद गुजरात पहुंचे मनीष सिसोदिया, अहमदाबाद में बोले सीबीआई ने आप छोड़ने को कहा, सीएम पद के पेशकश का दावा किया। सिसोदिया के बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल, बयान को बताया झूठा प्रचार। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बवाल, भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल, बयान को भगवान राम का अपमान बताया। प्रसादी लाल मीणा से एक कदम आगे निकले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, कहा राम और राहुल में राज शब्द समान। राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के किसानों से की बात, किसानों की समस्याएं जानी। बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब ठेके का किया घेराव, उनके समर्थकों ने हंगामा किया। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, हिमाचल चुनाव को लेकर चर्चा। बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल, चुनावी रणनीति पर होगी बातचीत। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 11 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन के लॉन्च, 3 रुपए प्रति यूनिट पर चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। यूपी के कासगंज में एक टीचर ने मुलायम सिंह पर की अभद्र टिप्पणी, नाराज एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अवैध निर्माण के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का अभियान, छतरपुर इलाके में चला एमसीडी का बुलडोजर। रॉजर बिनी बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, पद संभालते ही खिलाड़ियों के इंजरी मैनेजमेंट पर दिया जोर। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक, लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने ली मासूम की जान। नोएडा की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में रहने वाले के बीच बहसबाजी, पुलिस ने मामला शांत कराया। अंकिता हत्याकांड के बाद वनांतरा रिसोर्ट कूच कर रहे 50 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, पुलिस से हुई नोकझोंक। रांची में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर 30 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी।
वायरल वीडियो पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने जताई आपत्ति, मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया, कहा किन परिस्थितियों में शूट हुआ जांच होगी और इसका परीक्षण किया जाएगा। सत्यता का परीक्षण भी होगा, किन परिस्थितियों में कहां पर इसको शूट किया गया है, कब शूट किया गया, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी और अगर उसके आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो। राजस्थान के भिवाड़ी से अगवा दो मासूमों का शव दिल्ली के महरौली में मिला, मृतक बच्चे की उम्र 5 और 7 साल। दो अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुआ था हत्या का खुलासा, निशानदेही पर बरामद हुए शव। 15 अक्टूबर को भिवाड़ी से अगवा किए गए थे 3 मासूम, फिरौती न मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने दी थी हत्या की धमकी। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 8 लाख की फिरौती, रोने से तंग आकर बच्चों को मार डाला। टेरर फंडिंग मामले में देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, 50 जगहों पर छापा मारा। आतंकी गैंगस्टर और ड्रग माफिया के गठजोड़ के खुलासे के बाद एनआईए का एक्शन, छापेमारी का बड़ा अभियान चलाया। नीरज भवाना और बिश्नोई गैंग से पूछताछ में टेरर फंडिंग के लोकल नेटवर्क का हुआ था खुलासा। बम्बिहा और बिश्नोई गैंग के मददगारों पर भी एनआईए की नजर, गैंग से जुड़े कई ठिकानों पर छापे। पटना के फुलवारी शरीफ में भी एनआईए की छापेमारी, पीएफआई से जुड़े मामले में रेड। नरेश सेठी के ठिकानों पर एनआईए का छापा, हत्या फिरौती समेत कई मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के कटनी में बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। बिजनौर में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर पथराव, ग्राम प्रधान समेत 80 लोगों पर मुकदमा। पुणे में ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने वाला युवक गिरफ्तार, नशे में पुलिस वाले पर किया था जानलेवा हमला। यूपी के गोंडा में स्कूल जा रहे बच्चों को कार ने मारी टक्कर, 3 बच्चों की मौत। बिहार के कैमूर में डैम में मिला युवक का शव, चाकू मारकर की गई हत्या। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 नाइजीरियाई नागरिकों को किया गिरफ्तार, फर्जी वीजा पासपोर्ट ड्रग्स तस्करी का आरोप। हरदोई में 4 दिनों से लापता 4.5 साल के बच्चे का शव मिला है, जांच में जुट गई है पुलिस। कानपुर के साढ़ इलाके में युवक की गला दबाकर हत्या, खेत में मिला युवक का शव। हावड़ा में वर्कशॉप में खड़े ट्रेन के डब्बे में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मेरठ में गंगा नदी में डूबी नाव, 1 शख्स की मौत, 4 लापता। भीलवाड़ा में गाड़ी चोरी के शक में, महाराष्ट्र के हिंगोली में बुजुर्ग के हत्या, आरोपियों की तलाश जारी। झज्जर में बुजुर्ग दंपति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। खरगोन के जैन मंदिर में लाखों की चांदी की मूर्ति और जेवर चोरी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश। कानपुर में इलेक्ट्रिक बस की टक्कर में स्कूटी सवार की मौत, लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक कुमारी गोली, 10 लाख लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोपालगंज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात टीचर ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की, पुलिस जांच कर रही। मथुरा में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, 30 किलो गांजा बरामद। मुंबई के कुंडला रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर मिला शव, शव कब्जे में लेकर जांच जारी। रांची में महिला मॉडल समेत 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 36 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। अमृतसर में एसटीएफ ने जब्त की 12 किलो हेरोइन, 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में 8 साल की मासूम से दरिंदगी, घर से अगवा कर रेप किया। अंबाला के डीसी रोड पर एक घर में दिन दहाड़े लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। कल्याण में 12 साल की लड़की का यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फरीदकोट की जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी, 24 घंटे में 9 फोन बरामद। यूपी के बांदा में 8 साल की बच्ची से रेप, परिवार वालों की शिकायत के बाद केस दर्ज। सहारनपुर में युवक की हत्या के आरोपी गिरफ्तार, 16 कारतूस 2 बाइक बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में जोरदार बारिश, सड़कों पर पानी भरा। तेज बारिश के बाद पुणे के कई इलाकों में जल जमाव, लोग परेशान। पुणे के डगरुसेठ गणेश मंदिर में पानी भरा, सड़कों पर सैलाब। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश, फसलों को नुकसान। वाशिम के कई इलाकों में पानी भरा, तेज बारिश से लोग परेशान। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, घरों में घुसा पानी। बारामती के सुपे सोनवाड़ी जाने वाले रास्तों पर पानी भरा, कई गांवों से संपर्क। उत्तराखंड के बागेश्वर में लैंडस्लाइड से मुसीबत, कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर गांव वाले। बीते दिन हुई बारिश के बाद कई जगहों पर धस चुकी है सड़क, प्रशासन के सूचना के बाद नहीं हुआ मरम्मत का काम। दिवाली से पहले बाजारों में बड़ी रौनक, उदयपुर में सजावटी लाइट्स की डिमांड।